नमस्कार, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो कि लीगल एडवाइस पर बेस्ड होती है। आप सभी के लिए बहुत सारी नॉलेज मिलती है और बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स जो कि लगातार मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मुझे पता लगता है कि आप सभी की जो समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाती हैं। और ब्लैकमेलिंग पर बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, क्योंकि आज के समय में जो लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन के समय में लोग काफ़ी कुछ शातिर माइंड अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो पैसा कमाते हैं, और कमाते नहीं है, वो दूसरे की बद्दुआ लेते हैं और गलत तरीके से वो पैसा ऐंठते हैं, जो कि एक धंधा बन चुका है, एक प्रोफेशन बन चुका है ब्लैकमेलिंग का, यानी कि ब्लैकमेलिंग स्कैम, जिसमें कि झूठे वीडियो बनाकर उनके उनके फर्जी वीडियो कॉल बना करके उसको एक न्यूड वीडियो के साथ में उसको ऐड करके, उसको एडिट करके, उसको वायरल करने की धमकी देते हैं। वायरल वो चाहे फेसबुक से हो सकता है, व्हाट्सएप से हो सकता है, या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म द्वारा हो सकता है। तो वो उस चीज़ में आजकल के युवा लड़के जो फंसते चले जा रहे हैं, और युवा ना इसमें कोई एज नहीं देखता है, जो ब्लैक मिलर जो है वो कोई एज नहीं देखता है कि आप किस एज के हैं, सिर्फ वो देखता है तो वो पैसा कि किस तरीके से इस व्यक्ति को ब्लैकमेल किया जाए और उसके बाद उससे पैसा ऐंठा जाए। तो इस तरीके की ठगी जो है आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चल रही हैं, और उसी के बिहाव पर, उसी के आधार पर मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आज की वीडियो है, क्योंकि लगातार मैं इन सब चीज़ों से डिस्प्यूट्स जो हैं वो उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। बहुत सारे मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं, और मैं उनकी जो जो डिस्प्यूट्स है, जो उनकी समस्या है, परेशानी है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ और 100% उससे बाहर निकाल देता हूँ। मैंने अपना जो इसलिए अपना मोबाइल नंबर यानी कि स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिससे कि आप मुझे कॉल कर सकें, व्हाट्सअप कर सकें, और कोई भी समस्या है आप निश्चिंत होकर आप मुझे कॉल करें। दूसरी बात, जो भी आप व्यक्ति कोई अपनी बात बताए तो वो ये माइंड में रखे कि यहाँ जो बात बताओगे आप, वो हमेशा के लिए आपकी सीक्रेट ही रखी जाएगी, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी बात आपकी शेयर नहीं की जाएगी। तो ये वीडियो क्या हमारे कुछ प्रोफेशंस में एथिक्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं और आप सब लोगों से विश्वास बनाना है, जोड़ना है उसके लिए। तो चलिए आज बात करते हैं हम उस वीडियो के बारे में, जिस जो कि मैं आज विशेष तौर पर उससे के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि आज के समय में हमारे चाहे कोई भी फेसबुक वगैरह पर किसी पर अगर हम जाते हैं, गूगल पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर कोई साइड में एक कॉर्नर में कोई ऑप्शन आता है कि इस ऐप को खोलेंगे तो आपको लड़की कपड़े उतारते हुए मिलेगी, इस तरीके की कुछ आते हैं हर जगह आते हुए। अगर अभी मैंने फिलहाल में देखा था, यूट्यूब पर भी देखा था कि यूट्यूब पर ऊपर सबसे टॉप पर मैंने जैसे ही अपनी YouTube का अकाउंट खोला, अकाउंट खोलते ही सबसे पहले टॉप पर लिखा हुआ था कि इसमें ये देखो, और मैं ये आपके क्या नाम है थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि लड़की जो है कपड़े उतार रही है डायरेक्ट इस न्यूज़ में, इस तरीके की मतलब वो लिखा हुआ आता है यहाँ पर। आप हो सकता है उस पर क्लिक कर दें, जहाँ पर अगर आप क्लिक किया तो वो सीधे उसी साइट पर, उसी एप्लीकेशन पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि हमें डर है जिस बात का। कुछ अननोन लोग जो कि जानकार नहीं है इसके बारे में, बाद में मेरी वीडियो देखते हैं, फंस जाते हैं, तो देखते हैं, उनको फिर पछतावा होता है, क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, आम हो गई हैं, क्योंकि व्यक्ति उन लोगों ने इस चीज़ को धंधा बना लिया है, प्रोफेशन बना लिया है, और इस वजह से लोग लगातार फंसते चले जा रहे हैं, और फंसने के बावजूद भी लोगों ने काफ़ी रुपये गंवा दिए हैं, 1,000, 10,000, लाख, 3-3, 4-4 लाख तक लोगों ने इस चीज़ में धंधे में डाल दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये जो भूख है, जो ब्लैक मनी की जो भूख है पैसे की, वो ख़त्म नहीं होती है। आपने 1,000 डाले तो वो और 3,000 मांगेगा, 3,000 डाले तो 6,000, 6,000 डाले तो 12,000, इस तरीके से लगातार उनकी बढ़ती चली जाएगी, और व्यक्ति एक ऐसी कगार पर जाता है जहाँ पर कि उसका मन करता है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इज्जत है वो इतनी इस कदर से बिगड़ जाती है कि वो संभालने में नामुमकिन हो जाती है। तो उसके पास एक ही ऑप्शन आता है कि वो सुसाइड करे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, और ये इस चीज़ से कोई समाधान नहीं होता है। कोई समस्या का समाधान अगर हो तो वो करना भी ठीक है, समाधान समस्या का नहीं होगा, आपके जाने के बाद आपके परिवार वालों को क्या होगा, उनकी भी इज्जत पर इस तरीके का, और ये चीज़ आप बड़ा कर रहे हैं, छोटी नहीं कर रहे उसको। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मुझे जिस तरीके से संपर्क करना चाहें उससे कर सकते हैं, चाहे मैसेज से कर सकते हैं, फोन से कर सकते हैं, व्हाट्सअप से कर सकते हैं, जिस तरीके चाहें, लेकिन ये जो स्टेप आउट है आपका ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके का स्टेप आप ना करें। तो बहरहाल जो आज के समय में की ऐप्स हैं, उन ऐप्स में कोई भी लुभावनी ऐप्स जिसमें कि फीमेल के बारे में कुछ अच्छा दिया हुआ हो, कुछ ऐसे बातें दी हुई हैं जिसको आपको लुभाती हो,
उन सब चीज़ों पर क्लिक ना करें, उन चीज़ों से बच के अपने जो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो फ़ोन है इस पर सोशल नेटवर्क है पूरा, और इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक भी हैं और बहुत गलत भी हैं। तो हमें डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें, सही जगह पर करें या गलत जगह पर करें। बहरहाल मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि सर मैंने एक ऐप थी इस तरीके से, तो उस पर मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉल होने स्टार्ट हो गई, इंस्टॉल होने के बाद उसने मेरी डिटेल मांगी, मैंने डिटेल देनी शुरू कर दी, डिटेल के बाद मेरा एक किसी फीमेल से इंट्रैक्शन हुआ उस पर एप्लीकेशन पर, इंट्रैक्शन होने के बाद मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद सीधे व्हाट्सएप पर आ गए, व्हाट्सएप से आने के बाद उसने सीधे पूछने लगा कि आप वीडियो कॉल करेंगे, तो कि हाँ कर लेंगे। इस तरीके से न्यूड कॉल पर उसने परमिशन मांगी कि न्यूड कॉल करोगे आप, बाथरूम में जाओ, उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो वीडियोस होती हैं वहाँ पर इतनी तेज़ी से वो सोचते हैं कि फटाफट ये काम किया जाए, और वो दोनों निर्वस्त्र हो जाते हैं, लड़की भी उस तरफ से और लड़का भी। उसके बाद वो वीडियो जो है वो कैप्चर हो जाती है, कि कैप्चर होने के बाद वीडियो उसके पास जब कुछ समय के बाद जब वापस आती है तो वो व्यक्ति फिर वो डर जाता है और एकदम से सहम जाता है, और उसके साथ साथ में एक मैसेज आता है कि आप मुझे इतना अमाउंट यानी कि मुँह मांगी रकम उसकी मुझे पे करो, वरना मैं आपके मैसेंजर पर आपके जितने भी दोस्त हैं। और हालांकि उस समय पर उसके पास वो जो वीडियो है वो के जो उसके जो व्यक्ति लड़का है या उसके जो उसके सगे संबंधी हैं, चाहे वो फेसबुक पर उसके फ्रेंड हों या रिलेटिव्स हों, कोई भी हों, उनके कॉन्टेक्ट भी मिल जाते हैं, उनको वो वीडियो शेयर भी कर दी जाती है। और शेयर करने के बाद जब वहाँ से आता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, जिसका कि वो दुख अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर गलती किसकी है, जिसने उसको प्रोवोक किया न्यूड कॉल करने के लिए, किसी ने किया। लेकिन हम इस तरीके का जो स्टेप आउट कर रहे हैं, दूसरी बात जो पैसे मांगते हैं उसमें पैसे बिल्कुल ना आते। कोई भी ब्लैक मेलर अगर आपसे पैसा मांगे कि मुझे इतना पैसा दो आपकी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा या कर दूंगी, वो वायरल अगर करेगा तो करेगा ही, आप चाहे कितने पैसे देना उसको, और अगर उसको नहीं करनी है तो वो नहीं करेगा। डिपेंड्स ऑन द ब्लैक मेलर, ब्लैक मेलर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो वीडियो करेगा या नहीं करेगा। जहाँ पर आपको लगता है कि पैसा देने से बात बन सकती है, तो ये सोचे ना बिल्कुल भी कि पैसा देने से बात बनी जाएगी, बन ही नहीं सकती, क्योंकि उनको जो भूख है वो पैसे की है, आपकी इज्जत की नहीं है ना आपकी वीडियो की है। सिर्फ डिपेंड्स करता है कि वो व्यक्ति कितना बड़ा ठग है जो आपसे सिर्फ ठगी कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में फंस गए हैं, उनसे पूछो, मेरे पास बहुत सारा अनुभव है। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर हम फंस गए हैं वीडियो कॉल में, और इन चीज़ों के लिए उस व्यक्ति को निकलना असंभव सा हो जाता है। लेकिन जहाँ वो व्यक्ति फंसता है, कोई भी किसी प्रकार की भी एडवाइस उसको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9540430881 है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। लेकिन विशेष ध्यान ये रखना है कि आप इन चीज़ों में किसी में ना फंसें, क्योंकि ये समय है कि आप कहीं और बिता लें, किसी और वेबसाइट्स पर, किसी और एप्लीकेशन पर, किसी जगह पर आप अपना टाइम शेयर कर लें, इन सब चीज़ों में ना फंसें। क्योंकि एक में एक बार फंसने के बाद जो व्यक्ति की जो इज्जत होती है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली जाती है। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, एकदम से मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। और एक और मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये वीडियो जो है वो कब तक रखते हैं, ये अपने पास जो है वो कब तक रखते हैं। देखिए, इसकी भी कोई समय सीमा नहीं है वो कब तक रखते हैं। आपको महीने के बाद, दो महीने के बाद फिर वो दोबारा कॉल कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते, कह सकते हैं पैसे डालो, मैं दोबारा तुम्हारी ये वीडियो में वायरल कर रहा हूँ। तो इसका कोई वो नहीं है, समय सीमा निर्धारित नहीं है कितने समय तक वीडियो कोई रखेगा। लेकिन आप इसके लिए और कोई भी समस्या है तो आप उसको अपनी एक साइबर सेल के द्वारा अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं उसके लिए, और जब आप कंप्लेंट करेंगे तो आप उन चीज़ों से समाधान का आपकी आपको सोल्यूशन मिल सकता है। बहरहाल अगर और भी कोई प्रॉब्लम है आपके पास में, कोई मुझसे कोई सवाल पूछना है, और अगर आप इन चीज़ों में फंस गए हैं तो आपको किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से इन चीज़ों में से बचना है, आप मुझे सीधे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, उन फ़ोन में से अगर मैं आपका फ़ोन बाय मिस्टेक नहीं उठा पाता हूँ तो आप मुझे दोबारा कॉल कर लें, क्योंकि आप कॉल मुझे कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और आप
हो सकता है किसी बड़ी समस्या जो कोई बड़ा आपके साथ अनहोनी होने वाली है उससे आप बच जाएं। तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, शेयर ज़रूर कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखते देखें शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं वीडियो बताता हूँ जो आप स्किप करने से स्किप हो जाती हैं और आपके माइंड पास तक नहीं आती हैं, क्योंकि एक छोटी जानकारी आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरी देखें, साथ ही में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे फ़ोन पर मुझे कॉन्टेक्ट करें, मुझे मैसेज करें और बाकी सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।